सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी गाइज़। आज से ठीक 7 दिन पहले मैंने अपने स्टोरी में एक पोस्ट डाली थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को सेटअप टूर चाहिए। तो आप लोगों की वहाँ पे कमेंट आई थी कि हाँ भाई, हमें सेटअप टूर देखना है, इसलिए मैं ये जो वीडियो है वो बाहर शूट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं आप लोगों को अपने सेटअप की तरफ ले जाऊँगा। लेकिन गाइज़, इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। और ये जो वीडियो है वो अपने मैं मेन चैनल पे ही अपलोड करूँगा, ठीक है। ये सेकंड चैनल पे अपलोड नहीं होगी, मेन चैनल पे ही अपलोड होगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं हमारा सेटअप कैसा है और उस पर कितना इन्वेस्ट किया है। सो गाइस, आप लोगों को पता है ये मेरा छत का एरिया है, तो यहाँ से नीचे की साइड चलते हैं। तो अभी जो है वो थोड़ा सा काला हो गया मैं, तो यहाँ से आपको पता है जीने हैं। तो जीने से उतरने के बाद सामने जो मेरा एक छोटा सा रूम था, मैंने आपको पहले के वीडियो में दिखाया था, तो वही उसी रूम के अंदर चलते हैं। और ये जो रूम है वो आ गया है, और यहाँ पे आते ही आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा उजाला सा मिल रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि सेटअप में थोड़ा सा मैंने लाइटिंग बढ़ाई है। तो गाइस ये देखिए, ये कुछ हमारा सेटअप है, ठीक है। अभी मैं आपको पूरी तरीके से दिखाऊंगा क्या क्या है यहाँ पे। सो गाइस ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए हमारा एक टेबल है जो कि मेरे पापा लेकर के आए थे मेरे बोलने के बाद। तो ये देखिए, सबसे मेन जो है वो यही है, और बाकी जो घर के अंदर सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। ये कबाड़ा फैला हुआ है जो अनबॉक्सिंग हमने वीडियो डाली थी, तो सारा सामान फैला हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं बैक कैमरा कर लेता हूँ, देखिए काफ़ी छोटा सा रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, ये देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ सामान वामान रखा हुआ है, तो ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है। और अभी मैं बैक कैमरा ऑन करता हूँ, फिर आप लोगों को जो लाइट लगी है वो दिखाता हूँ। दोस्तों ये वो जीना है जहाँ से हम आए, ठीक है। और ये जो रूम है, ठीक है, तो इसका गेट को जो है टर्न ऑफ करते हैं, मतलब बंद करते हैं। और गाइस यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं 2 ट्यूबलाइट लगी हुई है, जिसको कि मैंने ही सेट किया है। देखिए टेप के थ्रू मैंने इन सब को जो वायरिंग है वो भी मैंने ही की है, काफ़ी मुश्किल से हुई लेकिन हो गई। देखिए 2 ट्यूबलाइट मेरे बिल्कुल सामने है, ठीक है। ये देखिए यहाँ मैं बैठता हूँ और यहाँ बिल्कुल सामने ट्यूबलाइट है, एक कोने में लगा हुआ है जो कि टेबल के सामने ही बिल्कुल रोशनी देता है, आप देख सकते हैं यहाँ कोने में लगा हुआ है। एक जस्ट इसके ऊपर लगा हुआ है ट्यूबलाइट, वहाँ लगाया था मैंने लेकिन वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उससे और रोशनी डाउन हो जाती थी, जिस वजह से वहाँ पे मैं जो ट्यूबलाइट लगाया था वो हटा करके मैंने यहाँ ट्यूबलाइट लगा दिया। और इसके जस्ट नीचे एक ट्यूबलाइट है गाइस, पहले 2 ही ट्यूबलाइट थे, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन जब मैं मार्केट गया था तो वहाँ से मैं 4 एक्स्ट्रा ट्यूबलाइट ला करके मैंने लगाया, जिसके वजह से हमारा जो सेटअप है वो थोड़ा अच्छा सा हो गया। उसके बाद जो हमारा यहाँ का सामान था वो सारी चीज़ें हमने ऊपर पहुँचा दी, और ये जो हमारा टेबल है इसी पर हम सारे काम करते हैं। और गाइज अगर मैं इधर आऊँ तो आप लोगों को टेबल का जो नीचे का एरिया है ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉर व्रोर दिख जाती है, मैं अभी बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखिए एक ड्रॉर है यहाँ पे, जिसमें मैं अपने छोटे मोटे सामान रखता हूँ। फिर इसके बाद गाइज़ ये देखिए यहाँ पे सामान है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है गाइज़, आप देख सकते हैं ये पूरा ऐसा है सेटअप सा। और ये देखिए सामान भी फैले हुए हैं काफ़ी ज़्यादा घर के अंदर, अभी तो काफ़ी साफ़ किया था लेकिन मुझे पता है जब मैं जिस घर में चला जाता हूँ वो घर गंदा हो ही जाता है। अभी लाइटिंग आप लोगों को काफ़ी क्लियरली मिलती होगी मेरी वीडियोस में, ठीक है, क्योंकि गाइस ये तो रियल कैमरा है, इसमें तो और भी ज़्यादा क्लियरिटी आप लोगों को दिख रही होगी, लेकिन जब मेरे को माइक लगाना होता है तो मैं दूसरे कैमरे से वीडियो बनाता हूँ तो वहाँ थोड़ी क्लियरिटी घट जाती है। लेकिन अभी आप लोगों को क्लियरिटी देख सकते हैं कितनी साफ मिल रही होगी, लेकिन जब मैं वीडियो शूट करता हूँ विद माइक तो थोड़ी क्लियरिटी घट जाती है। और गाइस यहाँ पे देखिए सामने का एरिया है मेरे जहाँ मैं बैठता हूँ, तो अभी क्या कहते हैं ये भी हम थोड़ा सा इसको भी थोड़ा अच्छा करने वाले हैं, वो भी वीडियो जल्दी आएगी। मैंने सोचा चलो पहले अभी जितना किया है उतना बना करके डाल देते हैं, जब नया सेटअप बन जाएगा कंप्लीट बन जाएगा तब दूसरा वीडियो हम बना करके डाल देंगे। तो कुछ इतना सा खर्च किया है, कुछ खर्च नहीं किया। ये जो टेबल है ये नया टेबल नहीं है गाइस, ये टेबल सेकेंड हैंड टेबल है, किसी के दुकान से पापा लेकर के आए, जो कबाड़ी की दुकान होती है वहाँ से ये टेबल लेकर के आए, तो बनवाया नहीं है नया, अगर नया बनवाते तो कम से कम 6 से 7 हज़ार का टेबल ही बन जाता है, ठीक है। तो नया नहीं बनवाया, पापा को पता था दुकान तो वहाँ से ले आए, और 4 ट्यूबलाइट एक्स्ट्रा लगाई है बस, और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। सो गाइस इतना ही था आज की इस वीडियो में, आई होप आप लोगों ने जो मेरा सेटअप है वो देख लिया होगा, काफ़ी प्रोफेशनल तो नहीं है, खाली 4 ट्यूबलाइट एक्स्ट्रा ऐड किए हैं और ये हमने टेबल लगा दिया बस, और कुछ भी नहीं किया है। तो आगे देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है, अगर आप लोगों को सपोर्ट रहा तो ज़रूर सारी चीज़ें होंगी। सो ऐसे ही मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।